सरोकार। राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन आज पीएम नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। राहुल गांधी की आज पटना में पेशी, हेट स्पीच के मामले में कोर्ट ने उपस्थित होने का जारी किया था समन। आप सांसद संजय सिंह ने निकाय चुनाव को लेकर दिया बयान, बोले बिना गठबंधन के अकेले लड़ेंगे, हाउस टैक्स हाफ वाटर टैक्स माफ हमारा नारा। नगर निगम सहारनपुर के मेयर पद के लिए बीएसपी ने प्रत्याशी किया घोषित। मेयर और पार्षद के नामांकन का आज दूसरा दिन, नगर निगम में महापौर का मिलेगा पर्चा, जोन कार्यालयों पर नामांकन करेंगे पार्षद। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नगर निगम के चुनाव की घोषणा हो गई है और सहारनपुर में प्रथम चरण की 4 मई को वोटिंग होगी। इसी क्रम में नगर निगम सहारनपुर से बसपा ने चुनावी आगाज करते हुए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। सहारनपुर में कुछ दिन पूर्व ही समाजवादी पार्टी को अलविदा कहकर बहुजन समाज पार्टी में जुड़ने वाले पूर्व विधायक और बहुजन समाज पार्टी द्वारा पश्चिम प्रदेश संयोजक बनाए जाने के बाद अब मेयर पद के लिए इमरान मसूद की भाभी खतीजा मसूद को नाम की घोषणा की है। इमरान मसूद के आवास पर पश्चिमी प्रदेश प्रभारी ने आज पत्रकार वार्ता कर खतीजा मसूद के नाम की घोषणा की। इमरान मसूद ने इस दौरान कहा कि आने वाला समय बसपा का है और जो विश्वास बहन जी ने उन पर दिखाया है उस पर वह खरा उतरने का काम करेंगे। सम्मान दिया है एक महिला की पार्टी, बहन जी का धन्यवाद और बहन जी की सोच का धन्यवाद। उन्होंने यहाँ से पहले महिला डिक्लेयर की थी तो महिला सीट थी तो उन्होंने महिलाओं के अधिकार को संरक्षित करने का काम किया, फिर दोबारा महिला को दे दिया, शिक्षित महिला को उम्मीदवार बनाया, उसके लिए धन्यवाद। हम तो बहन जी के सिपाही हैं, जितना दम होगा उतना लगाएंगे। पहले पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए, जब 2017 में चुनाव हुआ था यहाँ नगर पालिका नगर निगम का, आप देख लो सहारनपुर हम लोग सेकंड नंबर पर रहे थे 2000-2500 वोट से, मेरठ हम लोग जीत कर आए थे, अलीगढ़ हम लोग जीत कर आए थे, झांसी सेकंड नंबर पर रहे थे, आगरा हम सेकंड नंबर पर रहे थे, हम 8 सीटों पर सेकंड नंबर पर रहे थे, 3 सीटें हम जीत कर आए थे। ये ईवीएम के कमाल से नेता ने क्या कहा था हम कि आज अगर चुनाव ईवीएम हटा दे और बैलेट पेपर पे लाए तो 10 मेयर हमारे बीएसपी के जीतते नजर आएंगे, आज अगर हटा दे आज। यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसी के साथ यूपी में आचार संहिता लागू कर दी गई है। हर चरण में 9 मंडल में चुनाव होंगे। इसी कड़ी में कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से प्राइम टीवी संवाददाता जिशान अहमद ने नगर निकाय चुनाव को लेकर खास बातचीत की। बता दें कि कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस दौरान कहा कि बीजेपी का कार्यकर्ता सतर्क जीवन जनता से संपर्क रखता है, हमेशा जन समस्याओं के लिए संघर्ष करना, सीधा जनता से संपर्क रहता है, हमारी तैयारी इसी आधार पर हमेशा प्रयत्नशील रहती है, जनता हमारे साथ है और इस जनता के साथ हैं। और क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल फूक चुका है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी उतारने की कवायद में हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय जी, आइए इनसे बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में किस तरीके से प्रत्याशियों को उतारने की कवायद है और क्या चुनावों को लेकर अहम मुद्दे हैं? मंत्री स्वागत है आपका प्राइम टीवी। नमस्कार। नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं, किस तरीके की तैयारियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सतत जीवंत संपर्क जनता से रखता है और हमेशा जन समस्याओं के लिए संघर्ष करना, जन समस्याओं के समाधान के प्रयत्नशील रहना,
तो सीधा उसका संपर्क जनता से है, कैडर बेस्ड पार्टी है, इसलिए उसके पास एक कैडर है। तो हमारी चुनाव की तैयारी तो जनता हमारे साथ है, हम जनता के साथ हैं, इसी आधार पर हमेशा रहती है। मंत्री, आप आगरा से लगातार 3 बार के विधायक हैं और अब मंत्री हैं, तो आगरा में किस तरीके से रहेगा नगर निगम चुनाव? आगरा में पिछली 6 बार से भारतीय जनता पार्टी का मेयर बन रहा है। ये यहाँ की जनता का प्यार है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और अब भी जो हमारा नेता मोदी जी और योगी जी का प्रयास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यानी हर छोर पर बैठे, अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए जो हमारे नेताओं ने काम किए हैं, जो हमारी पार्टी ने काम किए हैं, हमारे जितने भी क्षेत्र में कार्यकर्ता हैं जो हर वर्ग के लिए, उसकी समस्या के लिए खड़े रहते हैं, इन सब का विश्वास हमारे साथ है। इसलिए फिर भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा और बहुमत भाजपा की नगर निगम बनेगी। बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में लगातार अपराधियों पर और माफियाओं पर बुलडोजर से कार्रवाई की हो रही है, तो कैसे, किस तरीके से देखते हैं आप, जनता क्या देख रही है चुनावों में कि बुलडोजर की कार्रवाई काफ़ी पसंद भी आ रही है जनता को, क्या कहेंगे? देखिए, जनता आतंकित होती है गुंडे से, माफियाओं से, बदमाशों से, और जब ये आतंक फैलाते हैं तो जनता दहशत में उनको नमस्कार करती है, प्रेम से नहीं। पिछली जो सरकारें थीं उनको संरक्षण देती थीं, उनका पोषण करती थीं। मैं पूछता हूँ क्या कारण है जब हाउस के अंदर हमारे नेता योगी जी ने ये साफ कहा कि ऐ माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, तो क्यों अखिलेश जी को मिर्च लगी, क्यों अपनी सीट से उछल पड़े, क्यों उनको परेशानी महसूस हुई? साफ जाहिर था कि एक तरफ वो नेता खड़ा था जो कह रहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और दूसरी तरफ वो कह रहा था आप कैसे मिट्टी में मिला देंगे। तो साफ जनता देख रही है कि एक तरफ बदमाशों के, माफियाओं के पोषक, और दूसरी तरफ माफियाओं को धूल में मिलाने वाले लोग, तो हमें पसंद कर रही है, कानून व्यवस्था चाक चौबंद हुई है। देखा आपने, ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, जिनका साफ तौर से कहना है कि नगर निगम चुनाव में मजबूत प्रत्याशी उतारेंगे और जीत का परचम लहराएंगे। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, प्राइम टीवी, आगरा। यूपी नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ यूपी में आचार संहिता लागू कर दिया गया है। आचार संहिता को लेकर पालन कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन जगह जगह पोस्टर और बैनर उतरवाए जा रहे हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। आगामी निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। बता दें कि अंबेडकर नगर में 10 जोन 32 सेक्टर कुल जिले में बनाए गए हैं। इसके अलावा 40 केंद्र, 128 स्थल है, 139 कुल वार्ड जिले में हैं। 7 जगह नामांकन होगा, 4 नगर पंचायत, 3 नगर पालिका, टोटल निकाय जिले में 7 हैं। हमारे प्राइम टीवी के संवाददाता ने जिला अधिकारी अविनाश सिंह से नगर निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर खास बातचीत की। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा। निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2 चरणों में चुनाव होना है। 4 और 11 मई को 2 चरणों में चुनाव होगा। हर एक चरण में 9 मंडल के चुनाव होंगे, और ऐसे में अंबेडकर नगर जिला प्रशासन चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आखिर किस तरीके से नगर निकाय चुनाव को सकुशलता संपन्न कराने की तैयारी में है, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जिला अधिकारी अविनाश सिंह। सर, क्या तैयारी है आगामी चुनाव को लेकर के? सबसे पहले तो मैं बताना ही चाहूँगा कि जो नगर निकाय चुनाव अंबेडकर नगर जनपद का है, उसके अंतर्गत हमारे पास कुल 7 नगर निकाय हैं, जिनमें से 3 नगर पालिका हैं और 4 नगर पंचायत हैं। नगर पालिका परिषद अकबरपुर, नगर पालिका परिषद टांडा, नगर पालिका परिषद जलालपुर, इसके अलावा अशरफपुर खिचौचा, इल्तिफातगंज, राजे सुल्तानपुर और जहांगीरगंज, ये हमारे पास नगर पंचायत हैं, और इनमें से राजे सुल्तानपुर और जो जहांगीर है गंज है वो नवसृजित हैं। हमारे यहाँ कुल मिलाकर 304,737 कुल मतदाता हैं, जिनमें से जो पुरुष मतदाता हैं उनकी संख्या है 158,000, वहीं जो 145,000 हमारे यहाँ महिला मतदाता हैं। और इस पूरे चुनाव को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से हम लोगों ने इसको 10 जोन और 32 सेक्टर में बांट रखे हैं, और हमारे यहाँ जो
रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो 26 की संख्या में हैं और 37 हमने एआरओ बना रखे हैं। इसके साथ साथ जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस मतदान केंद्रों, मतदान स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिसमें से कि हमारे पास जो है कुल मतदान केंद्र संवेदनशील अगर देखे जाएं तो वो 40 केंद्र हैं और 128 स्थल हैं। अति संवेदनशील मतदान वो जो कि केंद्र 22 हैं और 78 जो हैं स्थल हैं, और कुल अति संवेदनशील प्लस इसमें 9 केंद्र हैं और 31 हमारे स्थल हैं। कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि जो संवेदनशील में हमारे पास 71 पोलिंग सेंटर हैं और 237 पोलिंग बूथ हैं, लेकिन नॉमिनेशन हो जाने के बाद से जो है निश्चित रूप से जो सेंसिटिविटी है वो उसमें कुछ बदलाव आएगा और उसी के हिसाब से हम अपने बूथों की संख्या को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। हमारे इस चुनाव में हमारे यहाँ कुल जो 139 वार्ड हैं जिसमें से कि 116 पोलिंग सेंटर हैं और 353 पोलिंग बूथ हैं, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो चुनाव के लिए जो नामांकन है वो 7 जगहों पर होगा, जिसमें कि तहसील जो मुख्यालय अकबरपुर है, TNPG डिग्री कॉलेज टांडा है, आप कह सकते हैं कि जितनी भी तैयारियां इससे जुड़ी होती इलेक्शन से सभी पूरी कर ली गई हैं। जो प्रभारी अधिकारी और सहायक प्रभारी अधिकारियों को नामित करके नियुक्ति उनको पत्र देकर और उनको जो है बैठक 2 बार कराई जा चुकी है, साथ ही साथ जो प्रभारी अधिकारी सहायक अधिकारी के साथ साथ रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर सभी की तैयारी पूरी हो गई है, ट्रेनिंग करा ली गई है। वह अनुवीक्षण हेतु जो निकाय वाइज जो हमारा फ्लाइंग स्काउट की टीम है, स्टेटिक सर्विलांस की टीम है, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के लिए जो जनपद स्तर पर और निकाय स्तर पर जो टीम गठन है वो सब किया जा चुका है। मतदान एवं मतगणना कार्मिकों का जो प्रशिक्षण है समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। हमारे पास इसमें जो भारी वाहन लगेंगे उसकी हमने पूरा एक कैलकुलेशन कर लिया है और हमारे पास वाहनों किसी प्रकार की समस्या नहीं है। जो ESD सॉफ्टवेयर पे हमने कुल 13,973 जो अधिकारी और कर्मचारियों हैं इनकी फिटिंग कराई जा चुकी जो कि पर्याप्त संख्या में है, और पोलिंग पार्टियों होते हेतु हमें कुल 1836 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, मतगणना हेतु कुल 504 कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी, और सबसे बड़ी बात है कि इस जनपद में EVM का उपयोग नहीं किया जाएगा। मतदान हेतु जो है वो मतपेटियों का प्रयोग किया जाएगा जो कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और हमने उनकी ऑयलिंग ग्रीसिंग आदि करा ली है। आचार संहिता लागू होते मानी पूरे जनपद में होर्डिंग, पोस्टर व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं हटा दी गई हैं तथा प्रतिदिन आदर्श आचार संहिता का अनुपालन जो है उसको किया जा रहा है। आप इस प्रकार से कह सकते हो कि नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने आज, जैसे मैंने खुद जाकर राजे सुल्तानपुर नगर पंचायत का आकस्मिक निरीक्षण किया था, तहसील आलापुर का निरीक्षण किया था, इसी प्रकार जो हमारे ADM साहब हैं, सभी SDM हैं, सभी EO हैं, और जो पुलिस में कप्तान साहब, उसमें जो ASP साहब हैं, CO साहब, सभी लोगों को जाकर इन जो हमारे बूथ्स बने हुए हैं, जो पोलिंग सेंटर बने हुए हैं, जो सेंसिटिव ज़्यादा हैं, वहाँ सभी जगह का निरीक्षण करने के लिए और वहाँ पे अगर कोई कमियाँ हैं उनको देखकर उसको दूर कराने के उद्देश्य से सबको कड़े हिदायत जारी किए जा चुके हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जो 11 तारीख को, 11 मई को यहाँ पर चुनाव होगा और 13 मई को काउंटिंग होगी, उसके मद्देनज़र सभी प्रकार की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और जो कुछ अभी कमियां मतलब अभी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है आने वाले समय में उसको हम लोग पूर्ण कर लेंगे और निश्चित रूप से पूरी तरह से फ्री एंड फेयर माहौल में पोल को संपन्न कराया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ जिला अधिकारी अविनाश सिंह, जो सिलसिलेवार तरीके से बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर पूरी तैयारियां लगभग कर ली गई, जो छोटी मोटी रह गई हैं उन पर भी नज़र बनी हुई है। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, Prime TV, अंबेडकर नगर। औरैया में झोपड़ी के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी का शव मिला है। मामले में पिता ने बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने बताया कि जब वो कमरे में पहुंचे तब अंदर सामान बिखरा पड़ा था और मृतिका की चूड़ियां भी टूटी हुई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। क्या नाम आपका? रामू जी। पिताजी का नाम? श्री मुकटियार। कहाँ के निवासी हो? बिमटा। थाना? बिदूना। क्या मामला है?
हमका लड़की मरी पता फोन करोगे लड़की खत्म होगी हम देगी अभी टी खत्म और काम बता रहा हमने देखो तो है नहीं और कुछ हम तो काम कर रहे थे बिधुना पता ही कुछ आप मन फोन पहुँचो बिट्टी खत्म हो गई हम बाजे आए बिट्टी खत्म मिली आप काम बताए काम हो कैसे मरी पुलिस को सूचना दी आपने पुलिस साहब पहले 112 नंबर फोन लगाया नहीं लगा पर मैं 1076 फोन किया वहां से हमने फिर सूचना मिली के बिजनौर में पुलिस और 2.5 लाख की इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश आदित्य राणा इलाज के दौरान ढेर हो गया है। पुलिस और कुख्यात बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोहरा के बुढ़नपुर में सर्विलांस टीम को बदमाश की लोकेशन मिली, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करके आदित्य राणा को पकड़ने की कोशिश की। और पुलिस की आदित्य राणा गिरोह के साथ मुठभेड़ हुई है, जिसमें आदित्य राणा को पुलिस ने घायल अवस्था में हिरासत में लिया है, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। इस मुठभेड़ में हमारे 5 बहादुर पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, इनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर है। आदित्य राणा प्रदेश सरकार द्वारा चिन्हित एक शातिर माफिया था, इसके विरुद्ध 43 मुकदमे संगीन धाराओं में दर्ज हैं, जिसमें 6 मर्डर के मुकदमे, 13 लूट के मुकदमे शामिल हैं। इसके ऊपर 2.5 लाख रुपये का इनाम था। ये 2 बार 2017 में तथा 2022 शाहजहांपुर में ये पुलिस हिरासत से भागा था पेशी के दौरान। इस गिरोह के लगभग 48 सदस्य चिन्हित किए जा चुके हैं, जिसमें 6 की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। हरदोई में सिनेमा रोड स्थित किरणमानी मार्केट की एक दुकान में अचानक आग लग गई, जिसे देखकर स्थानीय लोगों ने बुझाने का प्रयास किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कुछ ही देर में आग पर काबू पा लिया, जिससे शहर की बड़ी मार्केट में एक बड़ा नुकसान होने से बच गया। बता दें कि शहर के सिनेमा रोड पर कपड़े की एक बड़ी मार्केट है, जहाँ खरीदारी करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं, जो की मंगलवार होने के चलते आज बंद थी। इसी दौरान शॉर्ट सर्किट से न्यू बॉम्बे साड़ी सेल में आग लग गई, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया और मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं आग लगने से न्यू बॉम्बे साड़ी सेल की दुकान के ऊपर रखा टाट का छप्पर जल गया, जिसमें करीब 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी मिली और कितनी देर आपको लगी? MGT पे जो हमारे जब वो इवेंट आया है और उसको पढ़ करके हम लोगों ने जो है तत्काल 2 गाड़ी जो है, क्योंकि मार्केट के नाम से था, तो 2 गाड़ी जो है हम लोग तुरंत रवाना किए थे और आने में भी आपको देखे होंगे जल्दी आ गया, पहुँच गया हुआ हम लोग। और बाकी जो इन लोगों का नुकसान हुआ है और वो आग वो खुद बुझा भी रहे थे लोग। अब लोगों का कुछ आरोप है कि QRT टाइम आपका जो है थोड़ा लेट रहा और आप लोग थोड़ा लेट पहुंचे हैं, लेकिन ऐसा तो हम लोग तो जैसे सूचना मिली तैसे भाग लिए, कोई इतना दूरी भी नहीं है फायर स्टेशन से। क्या नाम है आपका? आपकी दुकान है और कैसे आग लगी और कितना क्या नुकसान हुआ है? ये ऊपर साड़ी सेल वाला कुछ सामान ऊपर रखा था, छत के ऊपर स्पार्किंग हुई, उसके बाद उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद जो है तुरंत फायर ब्रिगेड आ गई, उसमें आग का बुझा। QRT टाइम, क्विक रिस्पांस टाइम फायर ब्रिगेड का क्या रहा और आपने आग जो बुझी है कितना, मतलब कैसे क्या आप लोगों ने? तुरंत आगे इधर फोन करा, इधर आ गई, इसलिए आग बुझ गई। क्या नाम है? मोहम्मद कली। उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।